नागपुर रेलवे स्थानक पर एक युवक का शव मिला था। लोहमार्ग पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन की, तब फुटेज में दिखा कि एक युवक मृतक के सिर पर सीमेंट के पत्थर से वार कर रहा है। इसके तहत पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बताया कि मृतक उसकी बहन और मां के संबंधी अश्लील गालियां दे रहा था, जिस कारण गुस्से में आकर आरोपी ने ये कदम उठाया। महाराष्ट्र राज्य लोहमार्ग के जो पुलिस महासंचालक डॉक्टर प्रज्ञा सरोदे मैडम है, उन्होंने एक साल से एक नया उपक्रम चालू किया गया है, जिसमें बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, मतलब अपने काम के अलावा कुछ काम करने वाले लोग हैं, उनको बख्शिश देने के लिए या फिर उनको प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें कुछ लोग पुलिस वाले जो है अपने पेट्रोलिंग के दरमियान जो रेलवे एक्सीडेंट होते हैं, रेलवे से ट्रेन से लोग गिरते हैं, उनको जो बचाते हैं उनको इसके तहत अवार्ड दिया जाता है। तो और एक है मिशन ट्रस्टेड पुलिसिंग, एक नया उपक्रम चालू किया गया है, उसमें पुलिस स्टेशन के जो अच्छा काम किया जाता है उनको भी रिवॉर्ड से रिवॉर्ड दिया जाता है डीजे मैडम की तरफ से। तो उसमें पूरा हर मंथ से इंफॉर्मेशन कॉल करके मार्किंग दिया हुआ है, तो उसमें नागपुर लोहमार्ग के पुलिस स्टेशन को सबसे ज़्यादा 3 रिवॉर्ड मिले हैं, बेस्ट पुलिसिंग का रिवॉर्ड 3 रिवॉर्ड मिले हैं, और नागपुर लोहमार्ग के पूरे 10 लोगों को ये जान बचाने के लिए भी रिवॉर्ड दिया गया है।